अब अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। बहुत श्रद्धा और बड़े भाव से, बड़ी सावधानी से श्रवण करेंगे। थोड़ा वैष्णव मताब्ज भास्कर का जो क्रम चल रहा है, उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर भगवान की मधुर ब्रजलीला का स्मरण करें। 11वें श्लोक तक कल हो चुका है, आज 12वां श्लोक। यावद वेदार्थ गर्भम प्रणवि जगदुदा धारभूतम सविंदु प्रव्यक्तम राम बीजम श्रुति मुनि गदितोत्कृष्ट षड व्याप्ति भेदम रे फारूढ़ त्रिमूर्ति प्रचुरतर महाशक्ति विश्वोन्निदानम शश्वत संराजते यद विविध सकल शश्वत संराजते यद विधि शश्वत संराजते यद विविध सकल संभासमान प्रपंचम। यावत वेदार्थ गर्भम प्रणव विश्वोन्निदानम श्रुति मुनि गदितोत्कृष्ट षड्व्याप्ति भेदम सविंदुम यत राम बीजम रेफारूढ़ त्रिमूर्तिम जगदुदाधारभूतम विविध सकल संभासमान प्रपंचम प्रचुरतर महाशक्ति प्रव्यक्तम शश्वत संराजते। इसका अर्थ है ये जो श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज का बीज है, ध्यान में आई बात ना, श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज का जो बीज है, बीजाक्षर है, उस संपूर्ण वेदार्थ का बोधक जो प्रणव है, उस प्रणव का भी वो बीज है। भैया जी, श्रीमद् भगवद गीता में प्रणव सर्व वेदेशु शब्दखे पौरुषम नृसु, भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं। प्रणव माने ओंकार। श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज का जो बीज है, वो प्रणव का जनक है, प्रणव जन्य है, और मंत्र राज का जो राम बीज है वो जनक है। तो संपूर्ण वेदार्थ का बोधक प्रणव है, और वह प्रणव भी श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज के बीज से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। महारामायण में पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया, बोले वेदों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में सर्वत्र प्रणव की महिमा गाई गई है, और आप भी प्रणव की महिमा का बारंबार वर्णन करते हैं,
लेकिन आप प्रणव क्यों नहीं जपते हैं, आप राम राम क्यों जपते हैं? बड़ा विलक्षण प्रश्न पूछा पार्वती जी ने। जब इतनी महिमा प्रणव की है तो आपको ओम ओम जपना चाहिए, आप ओम ओम न जप करके राम राम क्यों जपते हैं? शंकर जी ने कहा, देवी तुमने बड़े रहस्य की बात पूछी है, अब न बताऊं तो तुम मान कर जाओगी, रूस जाओगी, इसलिए तुम उत्तम अधिकारिणी हो तो तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, राम नामनो समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक, हे देवी भगवती पार्वती, मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है। प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। आजकल तो मार्ग सुई जो कह जो भावा, इसलिए सबको अधिकार मिल गया है, चाहे जो वेद पढ़ो चाहे जो प्रणव पढ़ो, सबको अधिकार मिल गया है। शास्त्रीय अधिकार नहीं है। लेकिन राम नाम में सबका अधिकार है कि नहीं, बोलो? कृष्ण नाम में सबका अधिकार है कि नहीं? किसी भी अवस्था में आप प्रणव का जप नहीं कर सकते। आजकल तो योगा वाले सब चाहे नहाए हों चाहे बिना नहाए हों चाहे जूता चप्पल पहने हों सीधे ओम की ध्वनि करेंगे, नहीं। प्रणव स्नान करके वह उच्चारण कर सकता है जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाला हो, शिखा सूत्रधारी हो, वो प्रणव का उच्चारण करे। सबको प्रणव के उच्चारण की विधि नहीं, पर हरिनाम आप प्रत्येक अवस्था में ले सकते हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, यावद वेदार्थ गर्भम, संपूर्ण वेदार्थ का बोधक प्रणव है, और यह बीज राम बीज यह प्रणव का आश्रय है, और विश्वोन्निदानम, इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और महाराज जी ये कैसा है, वेदों ने ऋषि मुनियों ने इसके माहात्म्य का बारंबार प्रतिपादन किया है, और ये उत्कृष्ट छह व्याप्ति वाला है, और ये बिंदु युक्त है। बीज मंत्र जो है वो रा के ऊपर ऊपर एक बिंदी है, बिंदु युक्त है। इसमें कितने अक्षर हैं, तो हमने पहले चर्चा की थी, रा, फिर रा में आ और फिर आ, क्योंकि आ और आ मिलकर सवर्ण दीर्घ होकर बनेगा आ, छोटा आ और बड़ा आ दोनों की संधि कर देंगे, सवर्ण दीर्घ संधि कर देंगे तो क्या बनेगा आ और मां। कितने अक्षर हुए, चार, रा आ आ और मां। अब देखो रेफ क्या है, रेफ श्री रामचंद्र है, श्री रघुनाथ जी रेफ हैं। और इस रेफ के ही आश्रित तीन हैं, आ और मा। आकार क्या है, तो आकार जो है वो विष्णु है,
अकारो विष्णु, अकार विष्णु है और आकार कौन है? वो ब्रह्मा जी है और मकार कौन है? वो शिव जी है और रकार कौन है? रामचंद्र जी। तो रेफ के आश्रित आ, आ और मा। अब देखो प्रणव में क्या है, आ ऊ और मा। आ में विष्णु, ऊ में ब्रह्मा और मा में महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही जगत के कारण है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कारण है, विष्णु भगवान पालन का कारण है और शिवजी संहार का कारण है। और ये तीनों किसके आश्रित हैं? रा के। इसलिए विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता, जिन दई। अब इस महिमा का बोध नहीं होगा तो मंत्र जपने में भाव जगेगा? बोलो राम जी कौन है? जग पे खन तुम देखनी हारे, जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचा परी है। वह संपूर्ण जगत के, जगत का उत्कृष्ट आधार है। विविध सकल भास मानव प्रपंचम, माने विविध प्रकार का दृश्यमान सकल प्रपंच रूप जगत की उत्पत्ति रक्षण और प्रलय के लिए परम उपयोगी है। समानता अधिकता से रहित विलक्षण शक्ति वाला है और ये प्रकट हो करके श्री राम तारक मंत्र के बीज के रूप में सुशोभित हो रहा है। प्रव्यक्तम शश्वत सदा संराजते। प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ, बहुत ध्यान से सुने, प्रणव से ही वेद उत्पन्न हुआ, प्रणव से भी त्रिदेव उत्पन्न हुए और वह प्रणव श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज बीज से प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान सब कारणों के भी परम कारण है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसको राम मंत्र क्यों कहते? रामस्य मंत्र राम मंत्र और तस्य बीजम राम मंत्र बीजम। इसमें मध्यम पदलोपी समास हुआ है। पुलस्त्य संहिता, पुलस्त्य जी का तो नाम जानते हैं कि नहीं? कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र पुलस्त्य।
और वो पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा और अगस्त जी, ये पुलस्त्य जी के पुत्र हैं, अगस्त और विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इसलिए उत्तम कुल पुलस्त कर नाति शिव विरंच पूजेहु बहु भांति। पंडित जी छोटा मोटा नहीं है रावण, अगस्त जी उसके खास ताऊ जी हैं, सगे ताऊ जी हैं अगस्त जी, खास ताऊ जी, कोई गाम के नाते से ताऊ जी लगते हों सो नहीं, पिताजी के खास सहोदर बड़े भैया हैं। पुलस्त संहिता में महर्षि पुलस्त कह रहे हैं, रामित्ये काक्षरम ब्रह्मा कारणम प्रणवस्य च। यह राम जो बीजाक्षर है, यह एकाक्षर ब्रह्म प्रणव का कारण है, ये पुलस्त महर्षि पुलस्त संहिता में कह रहे हैं। अब देखो, ध्यान से सुने, व्याकरण के जो एकदम प्राथमिक छात्र हैं वो भी समझेंगे। महर्षि पाणिनी का एक सूत्र है, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 109वां सूत्र, वह है प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम। इस प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र से वर्ण विपर्यय हो जाता है, रा आ और मा, ये था ना, रा आ, एक तो रा आ आ, तो आ और आ मिलकर आ हो गया, तो र आ और म ये हो गया। अब प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम से आ का पूर्व प्रयोग हो गया, विपर्यय हो गया, तो र आ और म था, आ पहले चला गया, तो क्या हो गया, आ रा और म ये हो गया। अब माँ जो है वो हस प्रत्याहार में आता है कि नहीं, बोलो, हस प्रत्याहार में मां आता है कि नहीं, हाय वरट लणयम गणनम झमय गडदस जब गडदस, यहां तो हसी जैसे रकार को उत्त हो जाएगा, तो आ रा मा था, रा को ऊ हो गया, तो क्या बनेगा, आ ऊ और मा, और आद गुण से गुण हो गया। छठे अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है, इससे गुण हो गया, गुण होने से ओम हो गया, आ ऊ मा गुण संधि करेंगे तो क्या हो गया, ओम। और ये ओम कहाँ से प्रकट हुआ, ये राम बीज से ओम प्रकट हो गया। इसीलिए बहुत ध्यान से सुने, वैष्णवों के लिए विशेष यह जानकारी की बात है, कोई पूछे कि श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज में ओम क्यों नहीं लगता, इसका उत्तर यही है कि ओम तो है बेटा और राम मंत्र का जो बीज है वो है बाप, समझे ना, सीधी सादी भाषा में, तो जन्य जनक संबंध होने के कारण वहाँ ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बीज है वह प्रणव का कारण है, इसलिए केवल बीज, फिर राम शब्द से चतुर्थी का एक वचन, फिर नमः पद। ओंकार लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यही कारण है महाराज भैया जी, ये बड़ी सुविधा की बात है, ओंकार लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए श्री राम तारक मंत्र
इसकी प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, सब मनुष्य मात्र इसकी प्राप्ति का अधिकारी है। वैष्णवता के नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी श्री राम तारक मंत्राज के की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, और विधि का पालन करे तो चांडाल भी वैष्णवता की प्राप्ति का अधिकारी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भक्तमाल जी में एक प्रसंग है, श्री हरिव्यास तेज हरि भजन वल देवी को दीक्षा दी, श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का प्रसंग है, जिनका अद्भुत रसमय ग्रंथ है, वाणी है, महावाणी जिसको कहा जाता है। अद्भुत है। श्री हरिप्रिया जी एक जगह जमात पड़ी थी, बहुत ध्यान से सुने, और भगवत शरणागति की महिमा, वैष्णवता की महिमा का वर्णन श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भगवान की शरण में जाते ही दूसरा जन्म हो जाता है, और उसी समय संयोग की बात है, एक चोर आकर के श्रोताओं के बीच में बैठ गया, और राजा के सिपाही उसके पीछे पड़े थे, और भीड़ बहुत थी, भीड़ में आराम से चुपचाप एक तौलिया चद्दर ओढ़ के बैठ गया, कथा सुनने लग गया, प्राण तो सबको प्यारे हैं कि नहीं, प्राण बचाने के लिए। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो फांसी से बचने वाले अब है नहीं, पुलिस पीछे पड़ी है, दीक्षा ले लें तो बढ़िया, दूसरा जन्म हो जाएगा, दूसरे जन्म में सब खत्म, पुराने जन्म की बात खत्म। उसने आकर के रोने लगा, बोले महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, संत तो सरल होते हैं, आंख में आंसू देख के उनको दया आ गई कि बड़ा आर्त जीव है, इसको प्रतीक्षा ये कर नहीं सकता, इसलिए इसको तो तत्काल कृपा कर देनी चाहिए। आचार्य चरण ने कृपा कर दी उस पर, जुगलकंठी पधरा दी गले में, ऊर्धपुंड पधरा दिया, भगवान नाम सुना दिया, बस अब तो महाराज सीताराम राधे से हम बाला हो गया, तो ठाकुर जी का भगत हो गया। तो कथा पूरी भई के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत किया, तो राजा के सामने गुरु जी ने एक कह दिया था, देखो भाई अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब झूठ नहीं बोलना, अब भजन करना। हाँ ठीक है, तो झूठ तो बोलना नहीं है। राजा ने कहा तुमने चोरी की, बोले हमने चोरी तो की पर इस जन्म में नहीं की, हमने पूर्व जन्म में चोरी की। ले उसे, राजा बोला भाई हमारे यहाँ पूर्व जन्म के फैसले नहीं होते हैं, हमारे यहाँ तो इसी जन्म के फैसले होते हैं, पूर्व जन्म के फैसले नहीं होते हैं। जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसने उसकी शिनाख्त कर ली। अरे बोले नहीं, यही है, झूठ बोलता है, बस अभी तक तो तिलक विलक कुछ नहीं लगाता था, अब तिलक लगा लिए हैं, माला पहन लिया है, माला झोली हाथ में ले लिया, अब तो बगुला भगत का नाटक कर रहा है, यही है, यही है चोर। अब राजा बड़े चक्कर में क्या करें, तो उस राजा ने न्याय दिया कि लोहे का गोला
आग में तपाया जाए, एकदम लाल हो जाए दहक करके, तब इसके हाथ में रखा जाए, क्योंकि सांच को आँच नहीं लगती और ये 7 कदम चल के दिखावे। यदि इसकी हथेली नहीं जलेगी तब तो तुम मुक्त माने जाओगे कि तुम अपराध से मुक्त हो, और नहीं तो आज फांसी के फंदे से बच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा बहुत अपराधों में नाम है। पर आचार्य चरण की कैसी कृपा, उसको विश्वास हो गया था कि महाराज झूठ थोड़ी बोलते, गुरुजी ने कह दिया कि पूर्व जन्म। तब तो उसने कहा कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि इस जन्म में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। यदि ये बात सत्य है तो सांच को आँच नहीं आनी चाहिए। और महाराज हाथ में धाकता हुआ गोला लेकर 7 कदम चल गया। राजा ने मुकुट उतार के उसके पैरों में रख दिया। बोले रे आप तो महान सिद्ध संत हैं, आपको चोर समझना ये तो अपराध है। सिपाहियों को बहुत फटकारा, अरे संत को पकड़ लाए। और जो कह रहा था कि नहीं यही चोर है, उसको कहा अब इसको फांसी पर चढ़ा, इसको दंड भोगना पड़ेगा। तो चोर बोला नहीं महाराज, ये निरपराध है, वस्तुतः इसके घर में चोरी हुई है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, और तुम भी झूठ नहीं बोल रहे हो, हमारी तो बुद्धि चकरा गई कि हो क्या रहा है। तब उस चोर ने सारी बात बताई कि हम कथा सुनने बैठ गए, कथा में ये बात आई कि भगवान की शरण लेने से नया जन्म हो जाता है, तो हमने सोचा ऐसे तो बचेंगे नहीं, नया जन्म हो जाएगा तो बच जाएंगे, ये दीक्षा की महिमा है। और अब तो राजा ने दीक्षा ले ली, प्रजा ने दीक्षा ले ली। बहुत ध्यान से सुने, तो अब एक सफाई कर्मचारी था, झाड़ू लगाने वाला स्वपच, उस स्वपच के मन में बड़ा भाव जगा कि उत्तम उत्तम लोग तो सब शरणागति ले रहे हैं, क्या करूं, मैं तो बहुत छोटे खानदान में पैदा हुआ हूं और हमें पता नहीं महाराज दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। तो उसने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और रो करके कहा कि क्या मैं भी वैष्णवी दीक्षा का अधिकारी हूं? क्यों तुम इतने ग्लानी में क्यों भर रहे हो? तो कहा मैं स्वपच कुल में उत्पन्न हूं, मैं चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ हूं, क्या मैं दीक्षा का अधिकारी हूं? उस समय आचार्य चरण ने कहा कि ब्राह्मण भी यदि वैष्णवता के नियम का पालन न करे तो वो अधिकारी नहीं है, और स्वपच भी वैष्णवता के नियम का पालन करे वो शरणागति का अधिकारी है। और आपने उसे भगवत शरणागति प्रदान करके कृतार्थ किया। इसी वैष्णव ताबज भास्कर ग्रंथ में आचार्य चरण ने घोषणा की है, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा, भगवत शरणागति के सभी सदा सर्वदा अधिकारी हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भगवत शरणागति का अधिकारी न हो। वर्तमान समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्संग मिले, क्योंकि वे हमारे अपने ही लोग हमसे विमुख होते चले जा रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, और उसका मूल कारण है कि उन्हें सत्संग नहीं मिल रहा है, और बड़गलाने वाले लोग, बुद्धि को बिगाड़ने वाले लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। षड्यंत्रकारी पीछे लगे हुए हैं। इसलिए मेरा तो ये भाव है भैया जी कि प्रत्येक आयोजन में चाहे लीला हो या कथा हो, समाज के सभी वर्ग के लोगों को बुला करके और दर्शन कराना चाहिए।
भैया तुम भी कथा सुनो, तुम भी लीला दर्शन करो, बहुत आवश्यक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सब इसके अधिकारी हैं। ये विश्व निदान है, जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है और सहकारी कारण कालादि इनमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है। इस अभिप्राय को कहने के लिए श्री आचार्य चरण ने उन्निदानम कहा। यह बीजाक्षर जो है वो वाचक है, जैसे प्रणव के बारे में कहा गया ना, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, ऐसे ही वाचक राम बीज है राम जी का, और वाच्य कौन है, वाच्य श्री राम जी, राम जी वाच्य हैं और बीजाक्षर उनका वाचक है। वेदों में, इतिहास में, वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत में, अष्टादश पुराणों पुराणों में भगवान श्री राम के नाम रूप स्वरूप विग्रह गुण यश और मंत्र इनकी चर्चा की गई है। नाम रूप स्वरूप गुण यश और मंत्र ये छह, इन छहों की चर्चा की गई है और इन छहों गुणों से युक्त यह बीजाक्षर है। इनकी व्याप्ति विशेष से युक्त होने का अर्थ है ये छह अर्थों का बोधक है। बहुत ध्यान देकर के सुने, यह नाम का बोधक है, इसलिए केवल बीजाक्षर का जप करें तो भी वो नाम पूरा हो गया, नाम का बोधक है। और रूप का बोधक है, उसी बीजाक्षर का ध्यान करते करते स्मरण करते करते उसी से रूप का प्राकट्य हो जाएगा, उसी से विग्रह का प्राकट्य हो जाएगा और उसी से गुणों का प्राकट्य हो जाएगा, गुण भी उसी में हैं, उसी से यश का प्राकट्य हो जाएगा और उसी से मंत्र का प्राकट्य हो जाएगा। जब वेद का भी वह कारण है तो संपूर्ण मंत्रों का मूल तो वेद ही है, सारे मंत्र वेद से ही प्रकट हुए हैं, एतावता तो संपूर्ण मंत्रों का भी बीज है, सारे मंत्र उससे प्रकट हो जाते हैं। और महाराज जी ज्ञानानंद स्वरूप है, दिव्य मंगल विग्रह का, ज्ञान वलादि ऐश्वर्यादि गुणों का और निर्मल यश का, मंत्र का, सबका बोधक है। बिंदु युक्त है, रा अक्षर उसके ऊपर बिंदु है। एकाक्षरी कोश में लिखा है अकारो वासुदेवस्यात् आकारस्तु पितामह। अकार वासुदेव माने नारायण विष्णु और आकार ब्रह्मा जी और मकार शिव जी, मह शिवः और रेण भगवान सीतापति प्रोच्यते। रकार से सीतापति रामचंद्र जी का बोध होता है, तो रा बीजाक्षर में रा आ, आ और मा, र माने रामचंद्र, आ माने हरि, आ माने ब्रह्मा,
माँ माने विष्णु इनके कारण हैं, अथवा प्रणव के भी कारण हैं, अथवा वेदों के भी मूल हैं, मूल कारण हैं, इस जगत का आधार हैं। संपूर्ण जीवात्माएं अचेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ ये आधेय हैं और भगवान सबका आधार है, क्योंकि भगवान के बिना ना तो चेतन जीव रह सकता है और ना भगवान के बिना अचेतन प्रकृति रह सकती है। अब भैया जी स्पष्ट देख लो, ये देह अचेतन प्रकृति है, ये भगवान के बिना रह सकती है? भगवान की चैतन्य शक्ति इससे गई नहीं, फिर चाहे महात्मा का ही शरीर क्यों ना हो, उसको छू के भी नहाना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा कि नहीं, स्नान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, फिर आंख नाक कान हाथ पांव तो सब जैसे के तैसे दिख रहे हैं, पर कहेंगे भैया जल्दी ले चलो जमुना जी के किनारे, भाग बड़ो वृंदावन पायो, ले चलो भैया जल्दी। प्रकृति का अस्तित्व भी परमात्मा के बिना नहीं है और जीव का अस्तित्व भी भगवान के बिना नहीं है। जीव भी भगवान के बिना नहीं रह सकते और प्रकृति भी भगवान के बिना नहीं रह सकती। ये जीवात्माएं और अचेतन प्रकृति ये आधेय है और भगवान इनके आधार है, आश्रय। परमात्मा अपने स्वरूप और संकल्प से सभी को धारण करते हैं। भगवान की सत्ता के बिना किसी की भी सत्ता नहीं है, इसलिए समस्त चेतना चेतन आधेय हैं और भगवान सबके आधार हैं। अब देखो आपने वृक्ष लगाए, पौधे लगाए, लता लगाई, बढ़िया से बढ़िया मिट्टी है, बढ़िया से बढ़िया खेत है उपजाऊ, और आपने लगा दिया, अब उसमें आप पानी न डालो तो, जल न छोड़ो तो क्या वह पौधा वह वृक्ष लगेगा? नहीं लगेगा। जल तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? पानी के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है, जल तो चाहिए। तो जल पेड़ में, पौधों में, लता में प्रवेश करके और उस पेड़ पौधे लता का आधार बनता है। इसी प्रकार परमात्मा सब में, जड़ में भी और चेतन में भी, सब में प्रवेश करके भगवान सबका आधार बनते हैं। भगवान के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है और सबका आधारभूत जो भगवान है वह बीजाक्षर में प्रतिष्ठित है। चेतना चेतनात्मक जो जगत है वह सब कुछ प्रपंच परब्रह्म श्री रामचंद्र ही हैं, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। हरि देव जगत जग देव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु, सब कुछ भगवान है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्यम चानृतंच सत्यम अभवत, और सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री रामस्तव राज है, रामस्तव राज में ये बात कही गई। रामः सत्यम परम ब्रह्म, रामः सत्यम परब्रह्म, रामात् किंचिन्न विद्यते तस्मात् तद राम रूपम् हि
सत्यम सत्यमिदं जगत। परब्रह्म श्री राम सत्य स्वरूप हैं, श्री राम से भिन्न कुछ नहीं है, उस कारण है जगत सत्य राम का ही स्वरूप है। और यह जगत भी सत्य है क्योंकि इसके मूल कारण भगवान है, सत्य है, परम सत्य है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। भोक्ता जीव, भोग्य जड़ पदार्थ और प्रेरक ईश्वर, ये तीन है। ईश्वर प्रकृति का स्वामी है, जीवात्मा का स्वामी है और ज्ञानादि छह गुणों से परिपूर्ण है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, अंश में अंशी के गुण होते हैं, परमात्मा के समस्त गुण जीव में विद्यमान है। पर थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? ज्ञा ज्ञौ द्वा द्वा वजा वीश नीशौ, ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ, वो भी ज्ञानी तो है पर अल्पज्ञ है। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। ये देह रूपी वृक्ष पर एक साथ रहते हैं जीवात्मा और परमात्मा, संसार रूपी वृक्ष पर भी एक साथ रहते हैं जीवात्मा और परमात्मा। बस ये है, ये जीवात्मा जो है वो फलों का भोगों का लालची है और वो फल भोग में रुचि रखता है, और परमात्मा वो लालची नहीं है, वो उस पर रहता हुआ भी उस उन भोगों के आकर्षण से सर्वथा शून्य है। अंतर है। सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा है और जब सृष्टि हो जाती है तो स्थूल चिद चिद विशिष्ट परमात्मा है। बस ये भाव अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए और वह सबके भीतर प्रवेश करके सबका नियमन कर रहा है। अंतः प्रविष्टा सास्ता जनानाम सर्वात्मा, पृथ्वी के अंदर रहकर पृथ्वी का नियमन कर रहा है। पृथ्वी भी उनको नहीं जानती है, पृथ्वी उनका शरीर है और वह पृथ्वी के अंदर रहकर पृथ्वी का नियमन कर रहे हैं। पृथ्वी को धारण करके उन्होंने रखा है और वही तुम्हारा नृत्य से भोग्य अंतरात्मा ब्रह्म है और उसी का नाम ब्रह्म है। यह पृथिव्याम तिष्ठन, पृथिव्याम अंतरो यम पृथ्वी नवेद यस्य पृथ्वी शरीरम, यह पृथ्वी मंतरो यमयति एषत आत्मांतर्याम्यमृता। बृहदारण्यक उपनिषद की ये ऋचा है, उसी का ये भाव है। अब देखो, वो परमात्मा पृथ्वी में है, देह क्या है? क्या है भैया जी देह? ये मिट्टी तो है, धरती तो है, पार्थिव शरीर है, इसके भीतर है ये। एक एक धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो भी उसके कारण बह रहा है, बोलो। और वो चले गए तो सब बंद हो जाएगा कि नहीं? आंख नाक कान सब काम करना बंद कर देंगे। और सबकी गति है, सबकी गति है कि नहीं? किसको किस गति से चलना है ये भी वो वही कर रहा है भीतर से। यो विज्ञाने तिष्ठन,
विज्ञानादंतरो यम विज्ञानम नवेद यस विज्ञानम शरीरम यो विज्ञानमंतरो यमेति एषत आत्मांतर्याम्यमृतः। ये भगवान विज्ञान शब्द का अर्थ जीवात्मा है और वो जीवात्मा के उस जीवात्मा का नियमन भी भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर परमात्मा ही करता है। भगवान शरीरी है और जीव और प्रकृति ये दोनों भगवान के शरीर हैं, ऐसा समझना चाहिए। और वह भगवान शक्तिमान है, संपूर्ण शक्ति के मूल आश्रय हैं, प्रचुरतर महाशक्ति से भगवान संपन्न हैं और ऐसे वह भगवान सत्य संकल्प हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और वो भगवान श्री राम तारक मंत्र राज के बीज में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवत कृपा से हमने संक्षिप्त श्री राम तारक मंत्र के बीज की चर्चा की है और कल थोड़ी और चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल विषय थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन सिद्धांत का विषय है और ये सबके लिए बहुत उपयोगी है, विशेषकर उनके लिए उपयोगी है जो मंत्र का जप करते हैं, उनकी श्रद्धा उनकी भावना इससे और अधिक पुष्ट हो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।